गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 8 आर्टिकल्स को हाफ स्टडी किया था। आज हम रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लास्ट जो वीडियो थी हमने समझा था कि हम ए एल एन का यूज़ कैसे करते हैं। मैंने आपको एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी और आज हम समझेंगे द का यूज़ कहाँ किया जाता है। ओके, नाउ मेंशन ओपन पेज नंबर 46 दिख रहा है आपको बच्चों, 46 ये, इसे ओपन करना है आपको एंड आपको डेट एंड डे मेंशन करनी है। आज हमारा डे है फ्राइडे एंड डेट हमारी है 28। ओके, ये मेंशन कर दीजिए आप। यस, नाउ स्टार्ट। द इज डेफिनेट आर्टिकल, है ना। द जो है वो डेफिनेट निश्चित आर्टिकल है। इट इज यूज्ड विथ सम पर्टिकुलर नाउन, ये कुछ पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। और द नाउन्स दैट आर ऑलरेडी रेफर्ड टू, है ना, जो रेफर्ड होती है उन नाउन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सन, इट इज़ अ यूनिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जो यूनिक ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, द का। द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज माई फ्रेंड, ए पर्टिकुलर मैन इज टॉक्ड अबाउट। यहाँ पे आप देखो एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ जहाँ भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात होती है तो वहाँ अपन द का यूज करते हैं। द इज़ यूज बिफोर द फॉलोइंग, किन किन चीज़ों से पहले अपन कर सकते हैं, नेम ऑफ ओशियंस एंड सीज, समुद्र और महासागरों के नाम के आगे अपन क्या कर सकते हैं, अपन द का यूज़ कर सकते हैं, द पैसिफिक ओशियन, है ना, यानी कि जो भी समुद्र वगैरह के नेम होते हैं उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, द का। ओके, नेम ऑफ रिवर्स, किसी भी रिवर का नाम होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र जितनी भी, द गंगा द ब्रह्मपुत्र, है ना, तो द सतलज, जो भी रिवर होती है ना उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, यानी कि रिवर्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, द का। नेम्स ऑफ कैनल्स एंड डेजर्ट, है ना, कोई भी डेजर्ट हो, है ना, द थार डेजर्ट, है ना, ये थार डेजर्ट, अब कोई भी डेजर्ट हो, कोई भी कैनल्स हो, उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, द का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, द का। ओके, दी नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, जो भी माउंटेन की रेंज होती है, माउंटेन रेंजेस जो होती है ना, मतलब इटमीन्स जितने भी यूनिक यूनिक चीज़ें होती है ना उनके साथ, जैसे आप माउंटेन रेंजेस के द हिमालय, हिमालय पूरे वर्ल्ड में एक ही, तो द, है ना, माउंटेन रेंज के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, द का यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ एपिक बुक्स, जो एपिक बुक्स होती है ना, जैसे कि रामायण महाभारत, द रामायण द महाभारत, है ना, तो उनके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, द का। नेम्स ऑफ यूनिक नेचुरल ऑब्जेक्ट, कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसा होता है जो यूनिक होता है उसके साथ अपन द का यूज़ करते हैं, जैसे स्काई क्या है, यूनिक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। विथ सुपरलेटिव डिग्रीज, कोई सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, जैसे कि यहाँ पे बेस्ट, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्रीज है ना, तो इसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, द का, ठीक है। विथ ऑर्डिनल, अब ऑर्डिनल जैसे ही सिक्योर द सेकेंड पोजिशन, ऑर्डिनल के लिए भी अपन ने क्या यूज़ किया, द का, जिस पोजिशन बता रहा है ना कौन सी पोजिशन थी, सेकेंड ऐसे। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम होता है इंस्ट्रूमेंट का, तो भी अपन द का यूज़ करते हैं, द हारमोनियम, हारमोनियम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसके साथ अपन ने द यूज़ किया। नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, जैसे USA हो गया तो उसके साथ द का यूज़, है ना। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर भी हो सकता है, राजस्थान पत्रिका भी हो सकता है, द राजस्थान पत्रिका, द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। विथ वर्ड्स लाइक नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट, है ना, ही इज द ओनली सन दे है, ना, ऐसे वर्ड्स जैसे कि नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट ओनली, इनके साथ अपन द का यूज़ करते हैं, कौन कौन से, नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट ओनली, ठीक है। नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग, कोई वेल नोन बिल्डिंग मतलब जिसको अपन अच्छी सी फेमस जो बिल्डिंग होती है, द रेड फोर्ट, तो ये वेल नोन है, सभी जानते हैं इसको, तो इसके साथ भी अपन ने द का यूज़ किया। ओमिशन, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर सर्टेन केसेस वेयर वेयर देयर इज नो नीड ऑफ एन आर्टिकल, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आर्टिकल की कोई नीड नहीं होती है। बिफोर प्रॉपर नाउन, कोई प्रॉपर नाउन बताया होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल की नीड नहीं होती है। नेम्स ऑफ टाउन्स, दिल्ली मुंबई आगरा, यानी कि कोई भी टाउन का नेम अगर आ गया है तो यहाँ आपको आर्टिकल की नीड नहीं होगी। नेम्स ऑफ कंट्रीज, किसी कंट्री का नाम अगर आ जाता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेपाल, यहाँ भी आपको आर्टिकल की नीड नहीं होगी।
नेम्स ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के नाम के साथ भी आपको आर्टिकल की नीड नहीं होगी। राम मोहन है ना, गणिका, तो जैसे कि हमने कंट्री वाला जो हमने पढ़ा था है ना, तो अपन सब कंट्रीज के आगे लगाते हैं, पर कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे आपको आर्टिकल की नीड नहीं होगी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इनके साथ आप नहीं लगाओगे, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, पर्सन जो आपको बता रखे इनके साथ आप नहीं लगाओगे आर्टिकल। नेम ऑफ स्ट्रीट, विक्टोरिया स्ट्रीट, महात्मा गांधी रोड, इन सब के साथ आप नहीं लगाओगे आर्टिकल। नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स के साथ नहीं लगाते, जनवरी, फरवरी, मार्च। नेम्स ऑफ द डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे है ना, इनके साथ आप नहीं लगा सकते हैं आर्टिकल। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन है ना। मटेरियल, एक तो आप प्रॉपर नाउन से में भी नहीं चाहिए होगा, एक मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, नाइदर गोल्ड नॉर सिल्वर इज फाउंड हियर। अदर मटेरियल सच इज वाटर, मिल्क, कॉटन डू नॉट टेक एनी आर्टिकल, इनको भी आर्टिकल नहीं चाहिए होता है। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर अबस्ट्रिक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर भी इनको नाउन की नीड नहीं थी, बिकॉज क्या था, इसलिए नहीं थी क्योंकि ये अबस्ट्रिक्ट नाउन है। विजडम इज अप्रिशिएट बाई ऑल, विजडम जो है उसको सभी के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है, तो यहाँ पर जो थी अबस्ट्रिक्ट नाउन थी, यहाँ पर आर्टिकल का नीड नहीं है। ओके, तो आज हम यहीं तक समझेंगे। आई होप आप सभी को ये जो चैप्टर मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा कि किस तरह से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है और द का यूज़ किस तरह से किया जाता है। कहीं कई बार ऐसा होता है जहाँ पे आर्टिकल की नीड नहीं होती है, तो आपको केयरफुली वीडियो वॉच करना है और इसे समझने का कोशिश करना है। थैंक यू।